हेलो एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंपैरेटर फंक्शन देखा था कि कैसे कंपैरेटर फंक्शन सी प्लस प्लस में लिखा जाता है। और आइए आज इस कंपैरेटर फंक्शन को यूटिलाइज करते हैं इस क्वेश्चन में। सो दिस क्वेश्चन इज 973 एट डिलीट कोड, दिस इज के क्लोजेस्ट पॉइंट टू ओरिजिन। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। गिवन एन अरे ऑफ पॉइंट्स वेयर पॉइंट्स आई इज इक्वल्स टू एक्स आई वाई आई रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट ऑन द एक्स वाई प्लेन एंड एन इंटीजर के, रिटर्न द के क्लोजेस्ट पॉइंट टू द ओरिजिन। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट एक्स वाई प्लेन इज यूक्लिडियन डिस्टेंस, जो कि आपको पता होगा कि अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। यू मे रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, द आंसर इज गारंटीड टू बी यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर दैट इज इन। फाइन, सो ये प्रॉब्लम बहुत ही ईजी सी प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, लेट्स से ये एक पॉइंट है एक्स वन वाई वन पॉइंट लेट्स से, और लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट है दिस इज एक्स टू वाई टू पॉइंट लेट्स से, एंड लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट है एक्स थ्री वाई टू। सो लेट्स से दीज आर द थ्री पॉइंट्स, और हमें क्या करना है कि ओरिजिन से इसके डिस्टेंस निकालनी है। तो ओरिजिन से अगर आप एक्स वन वाई वन पॉइंट के डिस्टेंस अगर निकालेंगे, सो व्हाट विल दैट बी, दैट डिस्टेंस विल बी एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर एंड इसका अंडर रूट। वाई दिस इज टू बिकॉज जो पहला पॉइंट है वो एक्स वन अगर हम मान रहे हैं, तो दूसरा पॉइंट का जीरो जीरो, क्योंकि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो जीरो जीरो होगा। सिमिलरली वाई के लिए अगर आप लेंगे तो वाई वन इज द फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकेंड पॉइंट इज जीरो। सो इसका अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं एंड देन अंडर रूट कर रहे हैं, सो दिस विल कम आउट टू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर। सिमिलरली जो दूसरा पॉइंट है उसके डिस्टेंस कितनी होगी, दैट विल बी एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर अंडर रूट। सिमिलरली तीसरे पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स थ्री स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर इन दी अंडर रूट। तो आपको अगर ये पता है कि क्या इसकी यूक्लिडियन डिस्टेंस है, तो आप इस यूक्लिडियन डिस्टेंस को कंपेयर कर लीजिए। अगर जिसकी भी यूक्लिडियन डिस्टेंस कम होगी वो पहले लिखा जाएगा, क्योंकि हमें क्लोजेस्ट पॉइंट फाइंड करना है ओरिजिन के। तो क्लोजेस्ट पॉइंट का मतलब ये कि जिसके डिस्टेंस कम होगी वो पहले आएगा, जिसके डिस्टेंस बड़ी होगी वो बाद में आएगा। तो हम इन पॉइंट्स को सॉर्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो ये जो यूक्लिडियन डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं, इस यूक्लिडियन डिस्टेंस को ही हम जो है कंपैरेटर फंक्शन में लिख देंगे। सो आइए इसको इसका कोड देखते हैं हम लोग। सो सी दिस इज द कोड, एंड इस कोड में हमने क्या किया है, ये जो गिवन इनका था कोड, इसमें के क्लोजेस्ट पॉइंट, इसमें वेक्टर और वेक्टर गिवन है जिसमें पॉइंट्स हैं। वेक्टर और वेक्टर का सिंपल सा मतलब क्या है कि इनका एक 2D एरे है, और उस 2D एरे में दो कॉलम्स हैं। हर रो में एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, पहले कॉलम में एक्स कोऑर्डिनेट है, दूसरे कॉलम में वाई कोऑर्डिनेट है। तो हमने क्या किया कि इस इन पॉइंट्स को सॉर्ट कर दिया, ये जो गिवन वेक्टर है उसको हमने सॉर्ट किया, और यहाँ पे कंपैरेटर फंक्शन CMP लगाया है। सो लेट्स सी कि इसे कंपैरेटर फंक्शन कैसे लिखा जाएगा। कंपैरेटर फंक्शन में ये बात कही जा रही है कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। लेट्स से मैं, जैसे कि आपको पता था कि कंपैरेटर में हम दो पैरामीटर को पास करते हैं, तो यहाँ पे भी हम दो पैरामीटर को पास करेंगे, लेकिन जो दो पैरामीटर्स यहाँ पे होंगे वो दो पॉइंट्स होंगे। तो दो पॉइंट्स अगर होंगे तो दो पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक वेक्टर में हमें गिवन है। सो वेक्टर एक एक्स होगा, जो कि एक्स वेक्टर एक ए है जो कि पहले कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है, और एक दूसरा वेक्टर है इंटीजर टाइप का जो कि दूसरे कोऑर्डिनेट को या दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को डिनोट कर रहा है, और एक दो दो कॉलम वाला एक वेक्टर होगा। इसका मतलब क्या है, इस वेक्टर में दो एलिमेंट्स होंगे, लेट्स से वन सेवन, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली जो बी वाला है उसमें भी दो ही एलिमेंट, लेट्स से ये -3 है और 7 है, सो ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो हमें दो चीजें गिवन है, वेक्टर ऑफ ए एंड वेक्टर ऑफ बी, जो कि दो पॉइंट्स को डिनोट कर रहा है। चूंकि के क्लोजेस्ट पॉइंट जो इनका ओरिजिनल फंक्शन है उसमें वेक्टर और वेक्टर गिवन है, इसका मतलब है कि जितने भी पॉइंट्स हैं उनका एक वेक्टर होगा। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, ये सारे सारे वेक्टर्स हैं अपने आप में। ओके, सो हमें क्या करना है कि एक कंपैरेटर फंक्शन लिखना है। तो कंपैरेटर फंक्शन के लिए आपको पता है कि स्टैटिक बूल लिखते हैं, क्योंकि ये बूल इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो हमें क्या करना है कि ए और बी जो पॉइंट्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, कंपेयर करना है इनके बीच की डिस्टेंस, नहीं मतलब कि ए की डिस्टेंस ओरिजिन से और बी की डिस्टेंस ओरिजिन से। तो अगर ए मेरा एक वेक्टर है तो इसमें जो ए जीरो है वो एक्स को डिनोट करेगा कोऑर्डिनेट को, और जो ए वन है वो वाई कोऑर्डिनेट को डिनोट करेगा। सिमिलरली बी में
जो बी जीरो है वो डिनोट करेगा एक्स कोऑर्डिनेट को, और जो बी वन है वो डिनोट करेगा वाई कोऑर्डिनेट को। सो ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो जो ए पॉइंट है उसकी जो डिस्टेंस होगी ओरिजिन से दैट विल बी इक्वल्स टू ए जीरो स्क्वायर और प्लस ए वन स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। सिमिलरली जो बी का डिस्टेंस होगा ओरिजिन से दैट विल बी बी जीरो स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर। सो यू कैन सी ये हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए जीरो स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर छोटा है स्क्वायर रूट ऑफ बी जीरो स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर से, तो आप ट्रू रिटर्न कर दीजिए अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दीजिए। तो ये कंपैरेटिव फंक्शन दिख रहा है कि अगर पहला वाला पॉइंट जो डिस्टेंस ओरिजिन से वो ऑलरेडी छोटी है दूसरे वाले से, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर आपने सॉर्टिंग कर ली है तो आप सॉर्टिंग के बाद आपको के के नियरेस्ट पॉइंट्स को रिटर्न करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि लूप लगा लिया, जो भी हमारा ओरिजिनल वेक्टर था उसकी हमने सॉर्टिंग कर ली है इसके डिस्टेंस के हिसाब से। अब हमें इनमें से के पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, और हम क्या करते हैं कि एक आंसर वेक्टर बना लेते हैं, और आंसर वेक्टर भी वेक्टर ऑफ वेक्टर होगा क्योंकि इसमें पॉइंट्स को हम ऐड कर रहे हैं, हर पॉइंट एक वेक्टर है। सो वेक्टर ऑफ वेक्टर आंसर है, मुझे नहीं पता इसमें कितने पॉइंट्स होंगे, के पॉइंट्स को वन बाय वन इसमें ऐड करते हैं। तो लूप चलाया 0 से लेके के माइनस 1 तक, और पॉइंट वाला जो वेक्टर ऑफ वेक्टर है उसमें से एक पॉइंट को हमने पिक किया और उसको आंसर में पुश बैक कर दिया, फाइनली आंसर को रिटर्न कर दिया। तो इसको रन करते हैं, यू कैन सी कि जो सैंपल टेस्ट कैसे से पास हो गए हैं, सबमिट करके देखते हैं इसको। यस यू कैन सी दैट कि मेरा सारे टेस्ट केसेस पास हो गए एंड इट हैज रन फाइन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट अगेन विद अ सिमिलर क्वेश्चन।